नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। आज आप दर्शन करेंगे उत्तराखंड के 5 पवित्र प्रयागों के। यदि आपको प्रयागों और इनमें मिलने वाली नदियों के नाम याद नहीं रहते तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो याद रखने वाली पहली बात ये है कि ये पांचों संगम बद्रीनाथ मार्ग पर पड़ते हैं, और दूसरी ये कि इन सभी प्रयागों में अलकनंदा मौजूद रहती है। लगभग 195 किलोमीटर लंबी अलकनंदा नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक है, जो सतोपंत और भगीरथ खड़क ग्लेशियर से निकलती है। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अलकनंदा का ये उद्गम स्थल बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। बेहद दुर्गम हिमालयी क्षेत्र से निकलकर इसकी राह पर जो पहला गांव पड़ता है उसका नाम है माणा। ये अब भारत का पहला गांव भी कहलाता है। माणा में सरस्वती नदी से मिलने के बाद ये बद्रीनाथ धाम की ओर बहती है और बद्री विशाल के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। इसी कारण विष्णु प्रयाग तक इसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है। बद्रीनाथ से विष्णुप्रयाग की दूरी है लगभग 30 किलोमीटर। हनुमान चट्टी, लामबगड़ और पांडुकेश्वर होते हुए ये गहरी खाइयों में बहने के बाद धौली गंगा से मिलने के लिए विष्णुप्रयाग पहुंचती है। धौली गंगा नीति दर्रे के पास वसुधारा ताल से निकलती है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी ग्लेशियर लेक है। इसकी राह में आने वाला पहला गांव है नीति, जो माणा की ही तरह इस इलाके में भारत का पहला सीमावर्ती गांव है। उसके बाद ये नीति घाटी के कई और सुंदर गांवों से होते हुए तपोवन पहुंचती है। तपोवन से अलकनंदा जोशीमठ की ओर मुड़ जाती है और विष्णुप्रयाग पहुंचती है। अलकनंदा में मिलने के बाद धौली गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इस तरह आकार लेता है उत्तराखंड का पहला पवित्र संगम विष्णुप्रयाग। कहते हैं कि पहले यहाँ पे एक छोटा सा गांव था और एक विष्णु का ठीक बड़ा सा मध्यम आकार का मंदिर था, लेकिन 1894 में जो बाढ़ आई उस बाढ़ से वो सारी बस्ती बह गई। अब वहाँ पर उस चट्टान के ऊपर एक छोटा सा विष्णु का मंदिर बनाया गया है। इसे नारायण क्षेत्र कहते हैं क्योंकि ये नारायण पर्वत के निकट है, जो नर और नारायण ने तपस्या की थी गंधमादन में, उसी की वजह से इस क्षेत्र को नारायणी क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर नारद ने ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। ये बड़ा सिद्ध क्षेत्र है और प्राचीन काल में यहाँ से चाई थाई छुरधार होते हुए बद्रीनाथ के लिए रास्ता पैदल रास्ता जाता था। पहले सड़क नहीं थी तो रावल वगैरह जितने लोग थे सब इसी रास्ते से जाते थे और यहाँ पर एक झूला पुल बनाया गया था। तो जब कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता था या कोई आतताई आते थे तो उस झूला पुल को काट देते थे और उस क्षेत्र को एकदम अलग कर देते थे पूरी दुनिया से। अगला संगम यानी नंदप्रयाग यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इस सफर में सबसे पहले पड़ता है जोशीमठ। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने ही यहाँ नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापित की। जोशीमठ पीपलकोटी और चमोली से होते हुए अब अलकनंदा नंदप्रयाग पहुंचती है। दूसरी ओर से आती है नंदाकिनी, जो नंदा घुंटी पर्वत से लगभग
150 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ तक पहुँचती है और अलकनंदा में समा जाती है। इस तरह बनता है दूसरा पवित्र संगम नंदप्रयाग। यहाँ भी एक कर्णाश्रम था। नंदप्रयाग से लेकर बद्रिकाश्रम तक का जो क्षेत्र था उसको कर्णाश्रम कहा जाता था। तो वहाँ पे उसी आश्रम में नंद राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, इसी वजह से उस क्षेत्र का नाम नंदप्रयाग बना। और दूसरी ये भी एक संभावना है कि नंद शिखर से जो गंगा आ रही थी, नंदाकिनी, उसके नाम से ये बना हो। लेकिन पुराणों में केदारखंड में खासतौर से लिखा है कि महाराजा नंद ने जब यज्ञ किया उसके नाम से ये नंदप्रयाग बना। 1894 की बाढ़ में जब ये बहा तो उसके बाद इस पूरे जो वहाँ पे मंदिर था उसकी बहुत सारी मूर्तियाँ बह गई थी, मंदिर टूट गए थे। तो लोगों ने उस मंदिर की मूर्तियों को और जो पाषाण खंड थे उन्हें उठाकर उसके ऊपर यानी कि जो नंदाकिनी के बाएं तट की तरफ जो कंडासू गांव था उस गांव में जा कर के उनको स्थापित किया और वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया विष्णु का, जिसको अब गोपाल मंदिर कहते हैं और एक देवी का भी मंदिर है। ये बहुत व्यावसायिक क्षेत्र था कि बद्रीनाथ में जो हाथी पर्वत है बद्रीनाथ से पहले विष्णुप्रयाग के पास, वहाँ पर शिलाजीत निकलती थी। तो वो शिलाजीत निकल के व्यापारी वहाँ से नंदप्रयाग लाते थे और नंदप्रयाग में एक फैक्ट्री थी जिसमें शिलाजीत का शोधन होता था। और तिब्बत की मंडियों से लोग सुहागा लेकर आते थे। वहाँ पर इसके थोड़ा सा आगे चल के टंगणी एक जगह है, जो एक तंगण और परतंगण जो लोग थे वो वहाँ रहा करते थे। वो टांगण अश्व हुआ करते थे, एक छोटे साइज का घोड़ा होता था, लेकिन पहाड़ पर चलने के लिए बहुत अच्छा था। तो तिब्बत की मंडियों से सुहागा आता था। उस सुहागे को शोधन करके और शिलाजीत को शोधन करके यहाँ से भेजा जाता था। तो सुहागा तो जाता था रामनगर मंडी में और शिलाजीत पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जाया करता। अगला संगम है कर्णप्रयाग, जो नंदप्रयाग से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। हाल ही में बना ये पुल बद्रीनाथ मार्ग को कर्णप्रयाग में बन रहे रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। उस पार सिवाय गांव है, जहां आने वाले कुछ सालों में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। ये मटमैली नदी ही पिंडर नदी है, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। जब ये मटमैली नदी नीले रंग की पुण्य सलिला अलकनंदा से मिलती है तो बनता है तीसरा पवित्र संगम कर्णप्रयाग। कहते हैं कि यहां पे कर्ण ने शिव की तपस्या की थी कई वर्षों तक। शिव का एक यहाँ पर विशाल मंदिर था, उस मंदिर में शिव की मूर्ति थी स्थापित थी और कर्ण ने वहाँ तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल प्रदान किए थे। लेकिन एक मत ये भी है कि पिंडर का नाम जो कर्ण गंगा है उसकी वजह से इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग हुआ। लेकिन केदारखंड कहता है कि कर्ण ने यहाँ पे यज्ञ किया था और तपस्या की थी, इस वजह से इसका नाम कर्णप्रयाग बना। कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग 32 किलोमीटर दूर है। इस संगम को देखने के लिए हमें अलकनंदा को पार कर दूसरी ओर जाना होता है। इस सुरंग से पहले एक रास्ता रुद्रनाथ मंदिर की ओर मुड़ जाता है। वहां से लगभग 100 सीढ़ियां उतरकर आप संगम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हम पहाड़ के इस ओर आ गए हैं, जिधर से मंदाकिनी दिखाई देती है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल चौराबाड़ी ग्लेशियर है, जो केदारनाथ धाम के समीप है। यहां से ही केदारनाथ के लिए एक मार्ग जाता है। एक मार्ग तो बद्रीनाथ के लिए सीधा चला गया, कर्णप्रयाग होते बद्रीनाथ चले जाते हैं, और दूसरा मार्ग मंदाकिनी के किनारे किनारे तटवर्ती होकर के केदारनाथ की तरफ चला जाता है। यहीं से केदार का क्षेत्र शुरू हो गया है। यूँ तो पूरे गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता है, लेकिन रुद्र का जो असली जो स्थान है वो रुद्रप्रयाग है।
और यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है इसको काली नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो जल है, इसका जो इसके नीचे जो पाषाण के खंड हैं वो कुछ काले रंग के हैं। फेनिल तो है, फेन तो सफ़ेद दिखा देता, लेकिन तल पे थोड़ा सा कालापन दिखाई देता है। मंदाकिनी पर बने इस पुल के पार से रुद्रप्रयाग का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो ये रहा रुद्रप्रयाग का खूबसूरत नजारा। इस संगम के ऊपर भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है, जहां पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। केदारखंड ने कहा है कि रुद्रप्रयाग में नारद जी ने एक पैर पर खड़े होकर के सहस्त्र वर्षों तक शिव की आराधना की, उससे प्रसन्न होकर के शिव ने उन्हें स्वरों का और संगीत का ज्ञान दिया। केदारखंड में जब शिव ने जो ज्ञान नारद जी को दिया है, समस्त जो सात स्वर हैं, इन सातों स्वरों का स्वरूप क्या है, कौन कौन उसके देवता हैं और रागों का क्या महत्व है और कौन कौन से राग हैं, ये सारी चीज़ बहुत खुलासे के साथ उसमें शिव ने इनको दी। तो कहते हैं कि ये वाणी, प्रखर वाणी के लिए, संगीत की शिक्षा के लिए रुद्रप्रयाग का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चार नदियों की जलराशि अपने आप में समेटे अलकनंदा अब विशाल रूप ले चुकी है। श्रीनगर होते हुए अब ये देवप्रयाग पहुंचेगी, जो रुद्रप्रयाग से 65 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर धारी देवी का सिद्ध मंदिर भी पड़ता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए मोटर मार्ग से लगभग 800 मीटर नीचे अलकनंदा तट तक उतरना होता है। तो हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और ये है बद्रीनाथ मार्ग से देवप्रयाग का अद्भुत दृश्य। यहां से संगम तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। संगम के ठीक ऊपर भगवान रघुनाथ का मंदिर है, जिसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। इसकी गिनती देश के दिव्य देशम मंदिरों में होती है। ये नदी है भागीरथी, जो कुछ ही आगे चलकर अलकनंदा से मिलने वाली है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आई है, जो यहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए सगर पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने इस पुण्य सलीला को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर ये भागीरथी कहलाई। रघुनाथ मंदिर के लिए 101 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। आइए अब चलते हैं संगम की ओर। मंदिर की सीढ़ियां उतरकर कुछ ही कदम आगे चलेंगे तो दाहिनी ओर संगम का साइन बोर्ड नजर आ जाता है। संगम के ठीक पहले एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें गंगा जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के सामने एक शिला पर पैरों के जैसे निशान हैं। इन्हें भगवान श्री राम की चरण पादुका कहा जाता है। कई जलधाराओं को अपने आप में समेटे भागीरथी तेज गर्जना के साथ यहां तक पहुंचती है। दूसरी ओर अलकनंदा का रंग यहां तक पहुंचते पहुंचते गहरा हो चुका है। अब ये भागीरथी की तुलना में धीर गंभीर दिखाई देती है। अंततः दो विपरीत स्वभाव की नदियां एक हो जाती हैं और इस तरह आकार लेती हैं माँ गंगा।
त्रिवेणी भी माना जाता है, भगीरथी, अलकनंदा और शांता, इसे त्रिवेणी माना जाता है। और ये तीन पर्वतों के बीच में होने की वजह से ये एक भैरवी यंत्र बनता है। यहाँ की ऊर्जा आमिष ऊर्जा है और बहुत विशाल ऊर्जा है। अगर वहाँ पर आप कहते हैं कि तीन रात अगर आप निवास करेंगे तो आपके शरीर में एक सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये थी आज की कथा। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।